बुलंदशहर में शिकारपुर के काशीराम आवास के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे गंदगी के ढेर के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीर देख लीजिए, स्कूल के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आई है। स्कूल में अच्छे टीचर भी नहीं हैं। पढ़ने के लिए छात्र यहां पहुंचते तो जरूर हैं, लेकिन गंदगी के बीच से होकर गंदगी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर। वजह साफ है, स्कूल के आसपास फैली बेतहाशा गंदगी जो बच्चों को स्कूल से दूर कर रही है, पढ़ाई से दूर कर रही है। स्कूल में कोई दो मिनट रुक नहीं सकता। स्कूल में 49 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से फिलहाल 12 बच्चे स्कूल में मौजूद दिखाई दिए। बाकी गंदगी से होने वाली बीमारी के चलते बीमार हैं। 30 से 35 बच्चे बीमारी से जूझ रहे हैं। वही बाकी बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं वो किसी भी समय बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि गंदगी बजबजा रही है स्कूल के आसपास। बुलंदशहर की ये तस्वीर, गंदगी के बीच देखिए पढ़ रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया। मंदिर कहाँ जाने वाले विद्यालयों का मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि इस विद्यालय के क्या हालात हैं, किस तरह जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ आने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यहाँ आते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? निशान। निशान, कैसे आप स्कूल आते हैं? बड़ी गंदगी है। क्या बनना चाहते हैं? अमादाबारी बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बन पाए? अच्छी बदबू है। हमारे दोस्त भी बनना चाहते हैं, लेकिन वो बीमार हैं, आ नहीं पाते। अधिकारी बनना चाहते हैं? बच्चे और जो साथी हैं आपके, वो और साथी हैं वो बीमार पड़े हैं, वो भी कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो बीमार हैं, क्या करें? किसी को बुखार, किसी को है, उनके माँ बाप भेजते नहीं है। हमारे बच्चे बीमार हुए, जरूरी है हम स्कूल भेजें। तो बेटा स्कूल आने में काफी परेशानी होती होगी। जी सर, हमारे गेट के सामने, स्कूल के गेट के सामने कूड़े का ढेर पड़ा है, और वो ढेर पर कर चढ़ के आते हैं। बेटा यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं, जिस शिकायत मैडम लोगों ने की है, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके? वो आके कई पैसे, वो पैसे मांगते हैं, वो दो जब जब लेकर जाएंगे, जब करेंगे उन तो कार्रवाई, वरना करते नहीं है, नहीं देते हैं। तो देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों का जो दर्द है वो निकल के आ रहा है। हाँ, जो उनके विनती कर रहे हैं सरकार से कि यहाँ से कूड़ा हटवा दें, आसपास का जो वातावरण है उसको थोड़ा स्वच्छ कर दें, क्योंकि जिस तरह से स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, वहीं जो शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय हैं उनके हालात इस तरह के हैं, जहाँ कूड़े के ढेर पे से उतर कर मासूम बच्चों को स्कूल आना पड़ता है। तो पूरे देश में, हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान चल रहा है, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया के नारे लग रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर के इस स्कूल के आसपास की गंदगी का आलम हमारे सहयोगी समीर अली आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त R9 टीवी की टीम मौजूद है बुलंदशहर के शिकारपुर बाईपास किराए पर। यहीं काशीराम आवास बने हुए हैं, और यहीं आवासों में रहने वाले छात्र और छात्राओं के लिए, जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए ये प्राइमरी स्कूल बनाया गया है। और ये देखिए रास्ता, ये मेन रास्ता है जहाँ से गुजर कर मासूम छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल में प्रवेश लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ हम लोग नहीं सही से चल पा रहे हैं गंदगी और बदबू की वजह से, वहाँ ये मासूम बच्चे किस तरह से जाते होंगे। माय गॉड, ये शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाले एक विद्यालय है। जिस तरह से शिक्षा का मंदिर विद्यालय को कहा जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर के क्या हालात है बुलंदशहर के मेन सिटी के एरिया है, और किस तरह के हालात में हम ये देखेंगे। स्कूल भी यहाँ पर क्या चल रहा है, ये देखिए बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैम आ सकते हैं? इतनी गंदगी है यहाँ पर बाहर, कैसे बच्चे आते हैं? मैनेज कैसे होता हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। और बस क्या करें भैया, क्या बताएं, हम ऐसी गंदगी में बैठे रहना पड़ता। हम जब से यहाँ आए हमने कई बार अपने ऑफिस में भी फोटो खींच के भेज दिया है, कई बार अपने ऑफिस में। ऑफिस वाले क्या करते हैं? ऑफिस में कई बार गुहार लगाई है, वो कह रहे कि हाँ रास्ता बनवाएंगे, लेकिन अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या मतलब, किस तरह इतना कूड़ा आ गया? मेन एंट्रेंस यही है ना स्कूल? हाँ, मेन एंट्रेंस यही है। पहले पीछे से रास्ता था, लेकिन वो अभी इधर काम चल रहा हुआ है तो रास्ता वो बंद हो गया। शहर का कूड़ा वगैरह यहाँ फेंका जा रहा है? शहर का कूड़ा है, सामने होटल बना हुआ है, इस होटल का पूरा कूड़ा यहीं पे आता। तो कार्यालय का मतलब है BSA कार्यालय से, और BSA साहब से जब सवाल पूछा गया
जी साहब, इस गंदगी पर आपकी नज़र नहीं जाती, इस गंदगी का क्या होगा और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, दुष्प्रभाव उन पर पड़ रहा है, टीचर परेशान है, तो सवाल से भागते नजर आए हैं, दिखा रहे हैं आपको। बस दो लाइन का हमारी खबर हो जाएगी। अभी इस तरह नहीं बात होती, आप रूल सोल्यूशन जाने देते हैं। तो फिलहाल जो BSA बुलंदशहर है वो निकल गए हैं कैमरे से, नजरे चुराकर उन्होंने सवाल R9 के सवालों से बचते हुए दिखाई दिए हैं। BSA बुलंदशहर, उन्होंने यही कहा है कि वो 5 मिनट बाद वापस आएंगे, हालांकि 1 घंटे से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कौन जवाब देगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, वो अपने स्कूल एक कूड़े के ढेर से उतर कर जाते हैं, क्योंकि उनका स्कूल है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके गेट पर ही ये पूरा माहौल है। जो लगातार टीचर हैं वो लिखित में दे रहे हैं शिकायत, उसके बाद भी BSA बुलंदशहर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कैमरामैन शाकिर के साथ मैं सभी रही R9 TV बुलंदशहर।